अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 25 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आपके बोर्ड पे होगा, स्क्रीन पे आ रहा होगा, देखिए ध्यान से आपके लिए। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन 25 क्या कहता है, ध्यान सुनेंगे। क्वेश्चन है कि एक बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, आगे पढ़ने से पहले बोला कि बॉडी जब रेस्ट में है तो यू क्या होगा बताइए, यू क्या होगा, जीरो मान लीजिए। अब क्या बोल रहा है कि एंड इज़ फाउंड टू कवर 3 मीटर ड्यूरिंग द 5th सेकंड ऑफ इट्स मोशन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बच्चा गलती करता है, यहाँ बोला कि 5वें सेकंड, मतलब कि 4 सेकंड तक जितना चला, लेकिन जैसे ही 4 से 5 सेकंड तक हुआ, मतलब कि वहाँ पर टाइम गैप 1 सेकंड का हुआ, मतलब 4th सेकंड पर मान लीजिए अभी हम यहाँ पर हैं, ठीक है, कुछ दूरी चले, उसके बाद क्या हो रहा है कि जैसे ही हम 5वें सेकंड होने वाला था उसके बीच का दूरी दिया है कितना, देखो ड्यूरिंग द 5th सेकंड, मतलब 5वें सेकंड जब होने वाला था तो कहाँ से देखेंगे, फोर्थ से फिफ्थ सेकंड के बीच का ये दूरी दिया है कितना, आपका दिया है 3 मीटर। ध्यान रखिएगा, मैं फिगर से समझाता हूँ आपको। बोल क्या रहा है कि मान लीजिए कि टी बराबर 0 सेकंड पर ये बॉडी यहाँ से चलना शुरू किया, ठीक है, यहाँ चला, ठीक है, तो क्या हुआ 4 सेकंड पर, मान लो टी बराबर 4 सेकंड पर यहाँ पहुँचा, और बोल रहा है कि 4th से फिर 5वें सेकंड टाइम जब बीता, 5वां सेकंड यहाँ मान लो यहाँ हुआ, 5वें सेकंड बीता, ठीक है, 5वां सेकंड तो यहाँ हुआ, तो बोल क्या रहा है कि जब ड्यूरिंग द 5th सेकंड, मतलब कि 5वें सेकंड होने तक, तो कहाँ से कहाँ सर, 4th सेकंड से शुरू हुआ होगा और 5वां सेकंड आने में यहाँ टाइम लगा होगा, तो इसके बीच का दूरी दिया है कितना, 3 मीटर। बच्चा गलती क्या करता है कि टाइम 5 सेकंड लेकर के 5 सेकंड पे कितना चला, 3 मीटर चला, ये गलती नहीं, गलती आप लोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो बोला क्या कि सर 4th से जब 5वां सेकंड होने वाला था उस दौरान, उस ड्यूरिंग द 5th सेकंड, मतलब उस दौरान जो है वो कितना दिया है, 3 मीटर चला है। ध्यान रखिएगा, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को हम अपने तरफ से इंपॉर्टेंट कर रहे हैं आपको, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ बच्चा कंफ्यूज करता है। अब आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन कहा, क्वेश्चन कह रहा है क्या कि फाइंड द एक्सेलरेशन, आपको निकालना है एक्सेलरेशन। तो सर हम पहले क्या, ये डिस्टेंस दिया है, तो हम मान लेते हैं कि सर हम क्या करेंगे कि T4 पर 0 से 4 तक कितना चला, तो हम S4 4 सेकंड पर निकालते हैं, डिस्टेंस 4 सेकंड पर कर लेते हैं, और फिर हम चलो 5th पर निकालते हैं, 5th पर क्या हो जाएगा, S5 पर निकाल करके हम यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस चला और हम यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कॉमन सेंस है को कि सर 5 सेकंड में हम पहले डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है, फिर 4 सेकंड पर हम डिस्टेंस निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस हमको कितना दिया, 3 मीटर दिया है। चलिए देखिए ध्यान से, अब समझ में आ गया होगा। तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास यू है, हमको ए नहीं पता है, ए हमको निकालना है, ठीक है, तो चलिए हमारे पास क्या हमको दिया हुआ है सर, हम निकाल लेते हैं पहले कितना पर, S4 पर निकाल लेते हैं, तो S4 सेकंड पर अगर हम निकालें तो UT प्लस क्या होता है, ½ AT2, U तो 0 है, तो सर S4 सेकंड पर कितना हो जाएगा, 0 + ½ A, A तो हमारा A ही है और T कितना है, 4 सेकंड है, 4 सेकंड लिए हैं, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, अरे होगा, तो कितना होगा, S4 पर हमारे पास आ गया, ठीक है, 2 से काटेंगे तो 8 बार में, तो 8A आ गया हमारे पास, इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है। उसी तरीके से सिमिलरली 5वें सेकंड के बाद कितना डिस्टेंस चला, तो S=UT प्लस क्या होता है, ½ AT2, क्लियर है यहाँ तक। तो अब हम क्या करेंगे सर, 5वें सेकंड तो है, 5 बार देंगे, 0 + ½ A × 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास S5th डिस्टेंस इनका 5th सेकंड पे अगर चेक करें तो यहाँ हो गया कितना, 25/2 क्या A, तो इसको हम करें तो 12.5 कितना, 5A आ गया S5th सेकंड पर, ठीक है, इसको 2 मान लिए। अब हम क्वेश्चन के अनुसार दिया था कि 5 में से अगर 5वें यहाँ से यहाँ तक जितना दूरी चला और यहाँ से यहाँ तक दूरी चला, दोनों का सबट्रैक्शन, दोनों का डिफरेंस कितना दिया, 3, तो हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू को व्हाट क्वेश्चन, ऐसे कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें तो S5th - S4th वो कितना दिया है, 3 मीटर दिया है, तो 5th पे कितना है, 12.5A - 4 पे कितना है सर, 4 पे 8A है, ठीक है, बराबर कितना हो गया, 3, तो दोनों में से माइनस 12 में से हट जाएगा 4, 4.5A बराबर कितना हो गया, 3, तो A हमको निकालना था, तो 3/ कितना हो गया, 3/4.5, यहाँ से हटाएंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है, तो 15 का टेबल में यहाँ पे कितना होगा, 30/45, तो 15 × 45 15 × 3 = 15 × 2 = 2/3, तो काटेंगे तो 0. कितना हो जाएगा, 20, तो 3 × 6 = 18, 19, 20, 3 × 6 = 18,
0.66 करके आएगा आपका, आंसर चेक कर सकते हैं। आपका दिया है कितना, हाँ 0.67, बिल्कुल सही है सर। ये हमारा आगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं 0.6, राउंड फिगर में करेंगे तो 6 है तो एक हमें बढ़ा देंगे सर, 67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा क्या हो गया, ये आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बस यहाँ समझने का फेरा था, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 25 भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर अगले की ओर चलते हैं, ठीक है, चलो।